गुरुवार को रेलवे स्टेशन परिसर में बम की अफवाह पर स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। स्टेशन परिसर में विस्फोटक पदार्थ होने की सूचना पर तत्काल आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस डॉग स्क्वाड बम विरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंचकर यात्रियों के सामानों की तलाशी के साथ स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों की बोगियों की चेकिंग की गई। साथ ही रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर भी चेकिंग की गई। टीम उस लोकेशन की भी जाँच की जहाँ बम होने की सूचना दी गई थी, लेकिन टीम को कहीं से कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला। स्टेशन परिसर की सघन जांच के बाद गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर शेरयांश चिंज पड़े ने कहा कि सुबह 6:30 बजे से किसी अनजान व्यक्ति ने फोन पर रेलवे स्टेशन के पुल के नीचे बम होने की सूचना दी थी, जिस पर जीआरपी आरपीएफ के साथ सिविल पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए पूरे रेलवे स्टेशन परिसर की चेकिंग की है। हालांकि इस दौरान किसी तरह का विस्फोटक नहीं मिला है। ऐसे में सूचना देने वाले अनजान व्यक्ति की तलाश की जा रही है। मैं असिस्टेंट कमांडेंट आरबीएफ डॉक्टर श्रेयांश चिंचवाड़े। एक्चुअली आज सुबह 6:30 बजे कंट्रोल रूम को एक कॉल आया था कि रेलवे एक पुल के नीचे बम रखा है। इतना बोल के उसने फ़ोन कट कर दिया था। तो इस सूचना के आधार पे आरपीएफ, जीआरपी, सिविल पुलिस इन तीनों ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन को पूरा छान डाला और इस पूरे कार्रवाई के अंदर डॉग स्क्वाड, बम डिटेक्शन स्क्वाड ये सब शामिल हो गए थे। और अभी इस कॉल का ट्रेस किया जा रहा है और इसके आगे की कार्रवाई करी जाएगी। अभी ये कॉल सर्विलेंस पे लगाया गया है तो थोड़े देर में जानकारी आ जाएगी कि एग्जैक्टली किसने कॉल किया था।